नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत सिन्हा। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने ड्राइंग क्लास के पहले लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य कि सभी आयु के लोगों को ड्राइंग और पेंटिंग के बुनियादी से सभी उन्नत तक की जानकारियां देना। पहला दिन, आवश्यक उपकरण यानी चित्रकारी की सामान की पहचान। जब आप पहली बार ड्राइंग करने का आगाज करते हैं तो आपके लिए सही तरीके से ड्राइंग करना बड़ा ही मुश्किल लगता है। इस अध्याय में हम आपको ड्राइंग के कुछ शुरुआती नियम बताएंगे। इसी अध्याय में हम आपको कला में प्रयोग आने वाले उन सामान के बारे में बताएंगे जिनका ड्राइंग में इस्तेमाल किया जाता है, और आप अपने रुचि के अनुसार अपने सामान का चयन कर सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो और आपको ड्राइंग करने में काफ़ी आनंद आए। तो हम पेंसिल से शुरुआत करते हैं। पेंसिल में बहुत सारे सीरीज होते हैं, BHB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, एक्स्ट्रा डार्क और भी कई तरह के पेंसिल होते हैं। तो पहले आपको हम बी पेंसिल के बारे में बताएंगे। बी पेंसिल का यूज़ कहाँ होता है और बी का मतलब क्या होता है। बी पेंसिल का मतलब होता है, बी मतलब ब्लैक। यह काफ़ी सॉफ्ट होती है और इसे भी ड्राइंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप ड्राइंग की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप HB पेंसिल का यूज़ करें। HB पेंसिल का मतलब होता है, H मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। मतलब यह पेंसिल काफ़ी हार्ड है और काफ़ी सॉफ्ट भी है, एक यह मीडियम पेंसिल है। HB पेंसिल से ड्राइंग करने से काफ़ी आपकी ड्राइंग में लाइट लाइन होगी, काफ़ी हल्की चलेगी, और यह पेंसिल नहीं टूटने का डर है, नहीं डार्क होने का डर है, और ये पेंसिल फर्स्ट स्टेप के लिए बेस्ट है। इसीलिए आप जब भी ड्राइंग की शुरुआत करें HB पेंसिल से ही शुरुआत करें, और दूसरों को भी आप बताएं कि HB पेंसिल से ड्राइंग करना चाहिए। अब बात करते हैं 2B पेंसिल की। 2B पेंसिल जो है, यह आपको मालूम होगा बी के मतलब डार्क होता है, तो इसमें सीरीज दिया गया है 2B। यह HB से थोड़ा डार्क होता है, और उसके बाद 4B या 2B से थोड़ा और डार्क होता है। फिर उसके बाद 6B या 4B से थोड़ा और ज़्यादा डार्क होता है। उसके बाद आता है 8B, ये 6B से थोड़ा और डार्क होता है। और उसके बाद आता है 10B, यह सबसे ज़्यादा डार्क होता है। केवल B और HB पेंसिल छोड़ करके आप जितने भी पेंसिल में B लगा हुआ है, 2B, 4B, 8B, 10B, एक्स्ट्रा डार्क, इन सभी पेंसिल को पेंसिल शेडिंग में, मतलब लाइट और शेड दिखाने में उपयुक्त किया जाता है। तो इसको आप अपने अनुसार टोन की मात्रा लाइट हो कम हो तो आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ड्राइंग के आवश्यक उपकरण के बारे में सीखा। अगले लेसन में हम इरेजर यानी कि रबर के विभिन्न प्रकार और उनका उपयोग करने के बारे में हम जानेंगे। अगर आप यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन आप जरूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं रजत सिन्हा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।